दोस्तों, आज साल 2022 का आखिरी दिन है और कल से नए साल की शुरुआत होने जा रही है। हम सभी लोग नए साल पर कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन करते हैं। आज हम लोग भी कुछ ऐसी ही बातों पे बात करेंगे जिससे हो सकता है नया साल और भी ज़्यादा अच्छा और खुशनुमा हो सके। हम लोग फोर सीक्रेट्स ऑफ एल के बारे में बात करेंगे। पहले एल का मतलब है लिविंग। साल 2022 में हम लोगों में निगेटिविटी और डिसअपॉइंटमेंट का जो भी कारण रहा हो उसको छोड़कर हम लोग को साल 2023 की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा है लर्निंग। लर्निंग का मतलब ये जो निगेटिविटी और जो डिसअपॉइंटमेंट रहा था उससे हमने क्या सीख लिया, उस सीख के साथ पूरे साल हमें चलना चाहिए। तीसरा है लिविंग। हम लोग को लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शन के साथ चलना चाहिए जिससे हमारी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो सके। जैसे अल्फ़ाबेट बी और अल्फ़ाबेट डी के बीच में अल्फ़ाबेट सी आता है। अगर हम लोग अल्फ़ाबेट बी को बर्थ और अल्फ़ाबेट डी को डेथ माने तो दोनों के बीच में अल्फ़ाबेट सी जो है वो चॉइस है। ये हम लोग की चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम लोग बी से डी तक का डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे विकल्पों के साथ चलना चाहिए। फोर्थ एल का मतलब है लविंग। पहले आप स्वयं से प्यार करें। अगर आप अपने से प्यार करेंगे तभी आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं आप उनको प्यार दे सकते हैं। क्योंकि आपने ऐसा सुना होगा कि भरे हुए जग से ही कुछ निकलता है, खाली जग से कुछ नहीं निकलता है। इसलिए पहले आप स्वयं से प्यार करें, फिर आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं आप उनको प्यार दे सकते हैं। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर।